प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं। हम पिछले कुछ लेसन में टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी के साधन के अंतर्गत प्रयुक्त हर्बेरियम और वनस्पतिक उद्यान का अध्ययन कर रहे थे। वनस्पतिक उद्यान में हमने वनस्पतिक उद्यान क्या होता है, वनस्पतिक उद्यान के क्या महत्व हैं तथा भारत और विश्व के बड़े वनस्पतिक उद्यानों पर हमने चर्चा की थी। आज हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण यानी बड़े विशाल वनस्पतिक उद्यानों का अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। इस लेसन के जरिए हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि वनस्पतिक उद्यानों की क्या महत्व होता है और इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं। इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन भारत में जो स्थित हैं उनका स्थापना, उनका स्वरूप, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा विकास किस प्रकार से हुआ, ये हम जानने का प्रयास आज करेंगे। उसके साथ ही हम विभिन्न जो गार्डन हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं उनका लेआउट क्या है, किस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया गया है तथा बॉटनिकल गार्डन की क्या इम्पोर्टेंस और रोल हमारे वर्गीकी के साहित्य में एवं भारतीय दृष्टिकोण से है, ये हम जानना चाहेंगे और उसके पश्चात क्लास वर्क की बात अपन करेंगे। हमने जब भारत के बड़े वनस्पतिक उद्यानों की चर्चा की थी तो हमने देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे वनस्पतिक उद्यान हैं। चूँकि हमने वनस्पतिक उद्यानों का अध्ययन किया था तो ये जाना था कि भारतीय पुरातन जो ग्रंथ हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उसमें भी वनस्पतिक उद्यानों का और बाग बगीचों का विवरण मिलता है, जैसे महाभारत, रामायण, वेद आदि में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वनस्पतिक उद्यान को व्यवस्थित करने की एक स्वस्थ परंपरा रही है। फिर भी हम एक बार इन उद्यानों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भारत में जो लार्जेस्ट बॉटनिक गार्डन्स स्थापित किए मिलते हैं उनमें से इंडियन बॉटनिकल गार्डन या इंडियन बॉटनिक गार्डन सिपुर कोलकाता, नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ, लॉयड बॉटनिक गार्डन दार्जिलिंग, बॉटनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, लालबाग गार्डन बेंगलोर, कंपनी गार्डन मसूरी, गवर्नमेंट गार्डन ऊटी और शालीमार और निशात गार्डन श्रीनगर आदि बहुत प्रमुख हैं। हम यहाँ पर यदि इम्पॉर्टेंट गार्डन्स ऑफ इंडिया या भारत के वनस्पतिक महत्वपूर्ण वनस्पतिक उद्यानों की चर्चा करें तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक वनस्पतिक उद्यान व्यवस्थित किए गए हैं। हम यहाँ पर हमारी स्नातक कक्षा के लिए ये मानते हैं कि एक या दो वनस्पतिक उद्यानों का अध्ययन उचित रहेगा। फिर भी हम देखते हैं कि इन वनस्पतिक उद्यानों में जो आपके स्क्रीन पर है ये अति महत्वपूर्ण वनस्पतिक उद्यान भारत में स्थापित किए गए हैं एवं कार्यरत हैं। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, भारतीय वनस्पतिक उद्यान कोलकाता, जिसका नवीनतम नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता है। उसके पश्चात नेशनल बॉटनिक गार्डन लखनऊ, बॉटनिक गार्डन FRI
FRI देहरादून, बॉटनिक गार्डन दार्जिलिंग, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, लाल बाग गार्डन बेंगलोर जिसे कि मैसूर स्टेट बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर भी कहा जाता है, और बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर। ये विशेष गार्डन हैं जो हमें वर्गीकी के क्षेत्र में दिशा निर्देश देते हैं तथा वर्गीकी को समझने में बहुत सहायता करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडियन बॉटनिक गार्डन सिपुर कोलकाता का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। ये गार्डन अपने आप में विशाल गार्डन है, जैसा कि हमें पिछले लेसन में ये सीखने का अवसर मिला कि ये बॉटनिक गार्डन एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिक गार्डन है। नामकरण की बात करें तो ये 225 वर्ष से अधिक पुराना वानस्पतिक उद्यान है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में या शासन काल में कंपनी बागान के नाम से ये सन 1787 में स्थापित हुआ। सन 1857 में क्वीन विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकरण पश्चात इसका नाम रॉयल बॉटनिकल गार्डन या रॉयल बॉटनिक गार्डन रख दिया गया। भारत के आज़ाद होने के बाद सन 1950 में इसका नाम इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता या भारतीय वानस्पतिक उद्यान कोलकाता कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम फिर परिवर्तित किया गया है और महानतम वनस्पतिज्ञ जगदीश चंद्र बोस के सम्मान में इसका नवीनतम नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता रख दिया गया है। इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता या आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता की स्थापना पर यदि हम चर्चा करें, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, इसका प्राचीन नाम रॉयल बॉटनिक गार्डन था। इसकी स्थापना 1787 में लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किड ने की थी, जो इसके प्रथम निदेशक भी थे और ये अवैतनिक निदेशक थे। बाद में वनस्पतियों के विशेषज्ञ विलियम रॉक्सबर्ग को उद्यान का निदेशक बनाया गया। रॉक्सबर्ग ने भारतीय वनस्पति जात की विविधताओं एवं प्रचुरताओं को विश्व व ख़ास तौर से ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में काफ़ी लोकप्रिय बनाया। जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उसमें इस उद्यान का बहुत जो है वो नाम हुआ। सन 1793 में उद्यान के साथ ही हर्बेरियम व अन्य प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई। सन 1864 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता नाम से जाना जाता है, इस सन में यानी 1864 में आए भीषण तूफान एवं प्रचंड ज्वार भाटे से उद्यान का अधिकांश भाग बाढ़ की चपेट में आ गया। इसके कारण इसके करीब 100 वृक्ष व अन्य वनस्पतियां उखड़ करके नष्ट हो गई। इसके बाद डॉक्टर किंग ने जी किंग ने उद्यान का कार्यभार संभाला और किंग ने वनस्पतिक उद्यान के विशेषज्ञ एवं विद्वान वनस्पतिक के रूप में कार्य करते हुए इस उद्यान की कायाकल्प करने का प्रयास किया। उन्होंने 1887 में एनल्स ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता या कलकत्ता का आरंभ किया तथा 1890 में इस उद्यान को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन जो है उसकी नींव 1890 में डॉक्टर जी किंग ने रखी। डॉक्टर जी किंग ने नष्ट हुए उद्यान का पुनर्निर्माण किया
तथा अनेक वृक्षों का स्वयं रोपण भी किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किड, जो कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता के स्थापक एवं प्रथम अधीक्षक थे, उसके बाद में सर विलियम रॉक्सबर्ग, जो कि किड के उत्तराधिकारी के रूप में रॉयल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता का अधीक्षक बने थे। सर विलियम रॉक्सबर्ग को भारत के लीनियस के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एवं भारत के पादपों का अध्ययन करते हुए इन्होंने यहाँ पर उन प्लांट्स को ग्रो कराने में सफलता हासिल की। उसके पश्चात डॉक्टर फ्रांसिस बचमैन या बुचमैन, जो कि रॉक्सबर्ग का उत्तराधिकारी था, इसको उद्यान का तृतीय अधीक्षक नियुक्त किया गया। उसके बाद में नाथरिन वॉलिच वह बुचमैन के उत्तराधिकारी के रूप में चतुर्थ अधीक्षक बने। उसके पश्चात जी किंग के बाद में सर डेविड प्रेन, कर्नल एटी गेज तथा सीसी कैल्डर इस उद्यान के निदेशक रहे। कैल्डर के बाद में भारतीय वनस्पतिज्ञ डॉक्टर के विश्वास, डॉक्टर मित्रा एवं एच संतापाऊ इस गार्डन के अधीक्षक रहे। ये कुछ नाम हैं जो इस वनस्पति उद्यान को निर्मित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल किड, विलियम रॉक्सबर्ग, बुचमैन, वॉलिच, जी किंग, डेविड प्रेन, एटी गेज, कैल्डर, और कैल्डर के पश्चात में भारतीय मूल के डॉक्टर के विश्वास, डॉक्टर मित्रा, डॉक्टर एच संतापाऊ आदि ने इस गार्डन का कार्यभार संभाला। वर्तमान में इंडियन बॉटनिकल गार्डन में 1200 से अधिक वृक्षों, झाड़ियों, ताड़ों, ऑर्किड्स व ग्रासेज की तथा अनेक कई विदेशी जातियां उग रही है। उद्यान में उष्णकटिबंधीय वनस्पति विविधता का स्पष्ट दिग्दर्शन होता है। अर्थात यहाँ पर हम देखें तो ये ट्रॉपिकल प्लांट डाइवर्सिटी का द्योतक है। ये उद्यान एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है एवं विश्व के पुराने उद्यानों में से एक है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू एवं बॉटनिकल गार्डन ऑफ एडिलेड, जो ऑस्ट्रेलिया में है, उन उद्यानों के ये समकालीन उद्यान है। पूर्व में ये 150 हेक्टेयर में निर्मित किया गया था। बाद में इसका कुछ भाग बिशप ऑफ कोलकाता को कॉलेज के लिए दान दे दिया गया, जहां आज कोलकाता इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। ये एक विशाल जो द्वार है इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता का, जिसमें आप देखेंगे कि वर्तमान में इसका नामकरण और इसका जो बोर्ड है नाम का, वो बिल्कुल आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन के नाम से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उद्यान का अभिविन्यास यानी लेआउट ऑफ गार्डन, गार्डन को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया गया है, गार्डन में हमें किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार के वृक्ष और किस प्रकार की जो महत्वपूर्ण पादपों को यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका यदि हम अध्ययन करें तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है महान बरगद वृक्ष या बरगद बाबा का, द ग्रेट बेनियन ट्री या बरगद बाबा। महान बरगद वृक्ष या बरगद बाबा ये उद्यान के प्रतीक एवं पर्याय के रूप में विद्यमान है, जिसका वानस्पतिक रूप से ये वृक्ष फाइकस बेंगालेंसिस फैमिली मोरेसी का है, जो भारतीय संस्कृति के कई धार्मिक प्रसंगों में पवित्र बंधनों से जुड़ा है। ये वृक्ष लगभग 225 वर्ष पुराना है। इसकी पत्तियों का ताज क्राउन ऑफ लीज लगभग 4 एकड़ अर्थात 1.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ज्ञातव्य है कि बरगद की मुख्य शाखाओं से कई अवस्तंभ मूले यानी प्रॉप रूट्स, जो कि लगभग संख्या में 2800 हैं, उत्पन्न होकर लटकते हुए मृदा में स्थापित होकर प्रकांड में बदल गई हैं। इस महान बरगद में
1000 से अधिक प्रकांड उपस्थित हैं और इसकी लंबाई लगभग 100 फीट ऊंची है। संपूर्ण वृक्ष की परिक्रमा 3 किलोमीटर से अधिक है। ये महान वृक्ष विश्व की संभवतः काफ़ी पुरानी एवं बड़ी जीवित जाति में से एक है। किसी सजीव की जैव मात्रा की दृष्टि से भी ये वृक्ष विश्व का महानतम पादप है। अकेला एक वृक्ष एक सघन वन की भांति दिखाई देता है, एक मिनी जंगल की तरह दिखाई देता है। दूर दूर तक हमें ग्रेट बेनियन ट्रीज के प्रकांड और प्रॉप रूट से जो है वो आच्छादित ये प्लांट हमें दिखाई देता है। इसके प्रत्यक्ष दर्शन करना जीवन का एक आह्लादकारी अनुभव कराता है। 1864 से 1867 के बीच में आए साइक्लोन के कारण ये क्षतिग्रस्त हुआ था। 1925 में इसके मुख्य तने का जब माप किया गया तो वह 16 मीटर के लगभग था, जिसको कवक इन्फेक्शन के कारण हटा दिया गया और ये वृक्ष गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है तथा ये वृक्ष ईश्वर की एक अनुपम कृति है। आप साक्षात इस वृक्ष को यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रॉप रूट्स और प्रकांड ट्रंक हैं और इस प्रकार से ये हमें दिखाई दे रहा है जैसे कि पूरा का पूरा एक जंगल है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो क्षेत्र या पहलू है वह ताड़घर या पाम हाउस है, जिसे हम पामेंटम भी कहते हैं। तकनीकी भाषा में ताड़घर को पामेंटम कहते हैं। उद्यान का ये दूसरा लोकप्रिय स्थल है ताड़घर। ये क्षेत्र दर्शनीय एवं धातु के तारों से सीमांकित है। तारों के ऊपर एक बहुत सुंदर सफ़ेद फूलों की कटलता, लायंस पोराना पेनिकुलेटा डेला जिसे कहते हैं, ये कन्वल्यूसी फैमिली की जाति का पादप है पोराना पेनिकुलेटा, और ये पूर्ण रूप से इन तारों के ऊपर आच्छादित है, जिसके नीचे कई छाया फिर ये ताड़ एवं फन आसानी से उग रही हैं। ताड़ घर में करीब करीब 40 से अधिक विभिन्न जातियों के ताड़ उगे हुए हैं, जो कि सभी के सभी एरिकेसी कुल के सदस्य हैं। बहुत विरल शाखित ताड़ यानी रेयर एंड ब्रांच पाम हाइफिनी थीबेका ताड़ घर का गौरव है, यानी ये बहुत कम पाया जाता है और यहाँ पर ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता की शान कहलाता है। इसके अलावा अफ्रीकी तेल पाम एलियंस ग्वेंसिस, फिश टेल पाम कैरियोटा यूरेंस एवं डबल कोकोनट लोडोइसिया मालदीव का आदि भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो इसका क्षेत्र है वह है शोभाकारी प्लांट्स यानी ऑर्नामेंटल्स। प्लांट्स को भी बखूबी यहाँ पर बहुत योजनाबद्ध तरीके से कई स्थानों पर आकर्षक रूप में उगाए गए हैं। इनमें गुलाब, रोजा, बोगनविलिया, अशोक, सराका इंडिका, सराका डेक्लिनेटा, ब्राउनिया, एमेस्टीरिया, जेस्मिनम, वाइटिस, लीलियम आदि बहुत प्रमुख जातियां हैं। इनकी विश्व में पाई जाने वाली अधिकांश जातियों को, अर्थात जो ऊपर वर्णित जो प्लांट्स हैं इनकी अधिकांश जातियों को जो विश्व भर में पाई जाती है उनको एक ही स्थान पर अर्थात इस उद्यान में उगाया गया है। इसके अतिरिक्त उद्यान के सरोवर में कमल, निम्फिया तथा जॉइंट वाटर लिली, विक्टोरिया अमेजोनिका बहुत दर्शनीय पादप है। जब आप जॉइंट वाटर लिली का दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़े थाल के रूप में ये सरोवर में जो है वो तैरते हुए नजर आते हैं, और ये बहुत ही एक मनोहरी दृश्य यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। ये देखिए आप, ये शोभाकारी पादप जॉइंट वाटर लिली यानी विक्टोरिया अमेजोनिका का दृश्य है।
यहाँ पर ये जो फोटो या पिक्चर है वह नेट से लिया गया है। मैं जिन्होंने इस पिक्चर को यहाँ नेट पर उपलब्ध कराया उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिपुर कोलकाता का एक दृश्य है। यहाँ पहले भी आपको इस दृश्य से अवगत कराया गया था किस प्रकार से वनस्पतिक उद्यान को सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो है वो निर्मित किया गया है। ये दृश्य अपने आप में इस बात को कहने में सक्षम है। उसके बाद में इस उद्यान का एक अपना पौधशाला या नर्सरी है। भारतीय वनस्पति विज्ञान की नर्सरी या रोपणी एशिया की सबसे बड़ी नर्सरियों में से एक है। यहाँ अधिकतर आदान प्रदान प्रणाली स्वरूप नवोद्भिद पादपों का लेना देना होता है। हजारों प्रकार के प्लांट्स यहाँ पर सीडलिंग्स इनके तैयार किए जाते हैं, नवोद्भिद प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और उनको विदेशों में दिए जाते हैं और वहाँ से दूसरे प्लांट्स लिए जाते हैं। उद्यान में आर्थिक महत्व के पौधे जैसे सिनकोना, जूट, वेनिला, तंबाकू, कॉफ़ी और अनेक प्रकार के प्लांट्स को पुनः स्थापित करने का कार्य भी सफलतापूर्वक होता है। इसके अलावा इस उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष और भाग है वह मांसलोद्भिद पादप यानी सकुलेंट प्लांट्स है। कैक्टस और कैक्टस के समान जो प्लांट्स होते हैं वह निश्चित रूप से किसी उद्यान की एक अनुपम कृति और अनुपम क्षेत्र होता है। अपने आप में ये प्लांट्स दर्शकों को आकर्षित करने का एक साधन होते हैं और हम देखते हैं कि कई जगह रॉकरी यानी पर्वत के समान संरचना बना करके सकुलेंट प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है और वह एक आकर्षक केंद्र स्थल होते हैं। यहाँ पर भी इस उद्यान में सकुलेंट प्लांट्स यानी मांसलोद्भिद पादप को उद्यान में एक बहुत बड़े क्षेत्र में सुरुचिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से रॉकरीज होती हैं उस प्रकार से लगाया गया है। मांसल पादप अधिकतर यूफोर्बियेसी एवं कैक्टेसी फैमिली के सदस्य हैं लेकिन परेस्किया कैक्टस इस उद्यान की एक विचित्रता है। ये सत्य पर्णों युक्त लंबी काष्ठीय झाड़ी है जिस पर बहुत खूबसूरत पुष्प ग्रो होते हैं। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इनके प्रमुख क्षेत्रों के अतिरिक्त उद्यान में ऑर्किड्स, बांस, साइकेड्स, विदेशी जातियों की घास तथा विविध वर्गों के पादपों की बहुत आयता मिलती है। वर्तमान समय में उद्यान में अल्पाइन केंद्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत सिक्किम तथा हिमालय के उच्च तुंगता क्षेत्र की पादप जातियों को उगाया जा रहा है। अर्थात अल्पाइन केंद्र जो स्थापित किया जा रहा है उसमें सिक्किम तथा हिमालय के उच्च तुंगता हाई अल्टीट्यूड के जो प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ पर ग्रो किया जा रहा है। उद्यान में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का हर्बेरियम एवं पुस्तकालय तथा पौधघर स्थायी महत्व के अध्ययन स्थल हैं। पुस्तकालय से कई शोध पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन होता है जैसे बुलेटिन ऑफ बीएसआई आदि। यदि हम स्पेशल सेक्शन ऑफ बॉटनिक गार्डन्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर हम देखते हैं कैक्टोरियम यानी वह भाग जहाँ पर कैक्टाई स्पीसीज अधिकांश ग्रो की गई है, ऑर्किडेरियम या ऑर्चिडेरियम जहाँ पर ऑर्चिड्स को अधिकांशतः प्रधानता दी जाती है, बम्बू सेटम यानी जहाँ पर कलेक्शन ऑफ बम्बूज को ग्रो किया जाता है, आर्बोरेटम यानी वुडी प्लांट्स को यहाँ पर अधिकांशतः ग्रो किया जाता है, पाइनेटम या पामेटम जहाँ पर पाम्स और पाइनेटम यहाँ पर पाइनस और कॉनिफर्स आदि प्लांट्स को एक स्थान पर ग्रो किया जाता है। इसके अलावा पाम हाउस, पामेटम और वाटर लिली ऑफ एमेजोन आदि बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं जो इस उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार वनस्पतिक उद्यान की श्रेणी में भारत के प्रमुख वनस्पतिक उद्यान इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता का अध्ययन किया। हमने
इस अध्ययन के दौरान रॉयल बॉटनिक गार्डन कोलकाता की स्थापना, उसका विकास तथा उसकी विशेषताओं तथा उसके लेआउट पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हम यहाँ पर संक्षेप में इस उद्यान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका क्लास वर्क है वो इस प्रकार है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, इंडियन बॉटनिक गार्डन कहाँ स्थित है? नंबर 2, इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता के संस्थापक निदेशक कौन थे? नंबर 3, इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता कितने क्षेत्र में फैला है? नंबर 4, इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता का प्रशासन वर्तमान में किस संस्था के अधीन है? किस संस्था के अंतर्गत इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता आता है? नंबर 5, पोमेंटम क्या है? टिप्पणी के क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता, इसके बारे में आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है या उसी से रिलेटेड टिप्पणी, इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता की स्थापना एवं विकास पर विवरण दीजिए। नंबर 8, महान बरगद वृक्ष या बरगद बाबा, इस पर भी आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। हम आगे भारत के कुछ प्रमुख हर्बेरियम पर चर्चा करेंगे। अभी हमने केवल एक प्रमुख वानस्पतिक उद्यान अर्थात रॉयल बॉटनिक गार्डन कोलकाता पर चर्चा की है, उसी का हमने जो है वो विवरण दिया है। ये पठन पाठन सामग्री COVID-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया चैप्टर लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया कार्य है और नॉन कमर्शियल कार्य है। विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज पिक्चर्स नेट से लिए गए हैं। जिन महानुभाव ने नेट पर ये फोटोज और पिक्चर्स वनस्पति विज्ञान को अधिकाधिक प्रचारित एवं सबके लिए लोकप्रिय बनाने हेतु सामग्री उपलब्ध करवाई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता है। विद्यार्थियों, हम फिर इसी माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद।